एक तरफ देश में दीकरीओ साथे बलात्कारनी घटनाओ वधती जई रही छे त्यारे दिव्यांग विनोद ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना नारा साथे दिल्ली थी मुंबई नी यात्रा पर निकळ्या छे। दिव्यांग विनोद ठाकुर नी यात्रा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा साथे यात्रा दिल्ली थी मुंबई सुधी व्हीलचेर पर यात्रा। दिल्ली ना रहवासी दिव्यांग विनोद ठाकुर दिल्ली थी मुंबई 1600 किलोमीटर व्हीलचेर पर बैसी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना नारा साथे यात्रा पर निकला। आ यात्रा ना भागरूपे तेओ हिम्मतनगर पहुंचा जहां तेमनु स्वागत करवामां आव्यु। विनोद ठाकुर डांस इंडिया डांस इंडिया गॉट टैलेंट 2 जेवा अनेक रियालिटी शो में भाग ले चुक्या छे। क्योंकि ये एक लॉन्गेस्ट व्हीलचेयर पुशिंग जर्नी रहेगी और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो दिए गए वर्ड दिव्यांग वर्ड ने मुझे प्रेरित किया है और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं ये जर्नी कर रहा हूँ। और 1500 किलोमीटर की मेरी ये जर्नी है। मैंने सोचा इतना लंबा मैं जा रहा हूँ तो क्यों ना एक मैसेज मैं लूँ। सो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेके मैं निकला हुआ हूँ। हिम्मतनगर में करायो विनोद ठाकुर नु स्वागत। विनोद ठाकुर हिम्मतनगर आवे पहुंचता तेमनु स्वागत ममता विकलांग शिशु विहार द्वारा करवामां आव्यु अने ममता विहार में रहेला दिव्यांग बाळकोए पण पोताना टैलेंट रजू कर्या। पीएम मोदीए विकलांगोने दिव्यांग नाम आपता विनोद ठाकुरे तेमनो आभार मान्यो। आ साथे तेमणे कश्मीर थी कन्याकुमारी सुधी व्हीलचेर यात्रा करवानी पण पोतानी योजनानी वात करी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे सर ये संदेश लेकर जा रहे हैं और हम लोग इनके साथ चल रहे हैं, आगे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और जैसे कि कहा मेरे सर ने कश्मीर टू कन्याकुमारी जा रहे हैं तो हम वो मिशन भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। एक तरफ जहाँ दीकरियों पर अत्याचार की घटनाओं वधी रही छे अने लोको पोतानी दीकरियों ने लेने चिंतित छे त्यारे विनोद ठाकुर ना प्रयास थी लोको मां जागृति आवे तेवी आशा छे। देव गोस्वामी साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया साबरकांठा।